आप देख रहे हैं YouTube चैनल खेती बाड़ी विद जय। धान की ये किस्म 5 यमुना 804 है। ये 140 से 145 दिनों में पककर तैयार होने वाली किस्म है और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और इस धान की इस प्रजाति में जो पेनिकल माइट रोग होता है उसका प्रकोप पिछले साल नहीं आया था और धान की जो स्वर्णा वेराइटी है जिसमें पेनिकल माइट का प्रकोप रहा था पिछले वर्ष, और चूँकि इस साल स्वर्णा में भी पेनिकल माइट का प्रकोप नहीं आया है और पेनिकल माइट के प्रकोप को देखते हुए हमने ये 5 यमुना 804 वेराइटी लगाई थी। साथ ही साथ इसमें जो फफूंद जनित रोग होते हैं और भूरा माहू उसका भी प्रकोप कम रहता है धान की स्वर्णा किस्म की तुलना में। और इस साल जो खरीफ सीज़न 2023-24 है इसमें जो स्वर्णा प्रजाति है उसमें भी पेनिकल माइट का प्रकोप हमारे एरिया में नहीं आया है और स्वर्णा धान की जो किस्म है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। साथियों, ये जो 5 यमुना 804 है ये थोड़ी सी धान की ऐसी किस्म है जिसमें रोगों का प्रकोप स्वर्णा की तुलना में कम आता है और लंबी अवधि की धान में किसानों के पास ज़्यादा बेहतर विकल्प नहीं होने के कारण ये जो 5 यमुना है उसका जो किसान लोग हैं वो खेती किए हैं और इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा आता है। और रोग प्रतिरोधी किस्म होने के कारण अभी हमारे जो आसपास के इलाके हैं इसमें किसानों के बीच धान की ये किस्म जो है काफ़ी लोकप्रिय हो चुकी है। ये जो 5 यमुना 804 वेराइटी है ये बहुत सारे बीज की कंपनियों के द्वारा अलग अलग नाम से बेची जाती है और आप अपने एरिया में किस प्रकार की धान की किस्में लगाते हैं उसका हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी दीजिए। और आप बिल्कुल कमेंट करके हमारे चैनल पे आप बताइए कि ये जो धान की किस्म है और आपके जो साइड जो धान की किस्में हैं उसमें किस प्रकार आप अंतर देखते हैं। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।